भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले राष्ट्रवादी युवा शक्ति, राष्ट्रवादी युवा संघ की इस युवा टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। मैंने एक सिस्टम ये बना रखा है कि जहां मैं नहीं जानता हूं तो वहां से जब फोन आता है तो मैं कहता हूं भाई आप या तो प्रांत की टोली से मिलिए या क्षेत्र की टोली से मिलिए। मनोज जी को मैं नहीं जानता था तो मैंने मनोज जी को कहा कि आप जाके वहां अपनी टीम से मिलिए। उन्होंने नितिन जी से संपर्क किया, नितिन जी ने कहा कि आइए, तो मैं नितिन जी को और आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं पेशे से इंजीनियर था, पहले मैं कानपुर में एलवल विश्वा में था, फिर गुड़गांव में मैं हीरो होंडा में गया, फिर गुड़गांव में ही मारुति कार बनती थी मैं उसमें गया। जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन का दर्शन बदला, जिस व्यक्ति ने, जिस महान आत्मा ने मेरे जीवन को इंजीनियरिंग से हटा के वकालत में आने के लिए कहा, आज उनकी पुण्यतिथि है। नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद जी को 1953 में मरवा दिया और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने दीनदयाल जी को 1968 में मरवा दिया। दोनों लोगों में एक समानता है, दोनों लोगों को 52 साल की उम्र में मरवाया गया। उस समय श्यामा प्रसाद जी भी 52 साल के थे जब उनको जेल में डाला गया और जेल के बाहर नहीं आने दिया गया, और 1968 में दीनदयाल जी भी 52 साल के थे जब उनको उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन के किनारे उनकी शरीर मिली। मेरे जीवन पे इन्हीं दो महापुरुषों का प्रभाव है, डॉक्टर अंबेडकर का भी प्रभाव है। जब मैं इंजीनियर था तो 3 लोगों को विशेष रूप से पढ़ता था, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ता था, दीनदयाल जी को पढ़ता था और श्यामा प्रसाद जी को पढ़ता था। और वहीं से पढ़ते पढ़ते हमने तय किया कि अगर मैं इंजीनियर रह जाऊंगा तो केवल अपने परिवार की सेवा कर पाऊंगा, मां भारती की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मां भारती की सेवा करने के लिए इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ेगी। संयोग ऐसा था कि अंदर से इच्छा प्रबल होती है तो भगवान भी सहायता करते हैं। मैं घर का बड़ा, घर की रोजी रोटी, घर की रोटी कपड़ा मकान मैं ही चलाने वाला। मेरी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई, वो अध्यापिका हो गई, अध्यापिका हो गई, फिर मुझे देखती रहती थी। कभी रात को 2 बजे उठ के बैठे हुए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने बोला ऐसा है मेरी नौकरी लग गई है, 2 बेटे हो चुके हैं, बेटी भी नहीं कि दहेज देना पड़ेगा। तो बच्चों को घर चलाने के लिए मैं पर्याप्त हूं, अब एक काम करो आप नौकरी छोड़ दो। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय मेरी 1,00,000 रुपए तनख्वाह थी और मेरी पत्नी की 8,000 रुपए तनख्वाह थी। तो मैंने 8,000 रुपए की नौकरी मिलते ही 1,00,000 की नौकरी छोड़ दी। फिर यात्रा शुरू हुई, राम जेठ मलानी जी पता नहीं कैसे, सब भगवान करवा रहे थे, वो मिल गए, उनके यहां वकालत शुरू किया। अब रोज किसी आतंकवादी का केस, किसी माफिया का केस, आपको पता होगा जेठमलानी जी कैसे कैसे केस लड़ते थे। 2 साल में मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके पास इस काम के लिए नहीं आया था, मैं अफजल गुरु और यासिन मलिक का केस लेने नहीं आया था, मैं तो कुछ और करने आया हूं। तो मैंने राम जेठमलानी जी का भी ऑफिस छोड़ दिया। उसके बाद PIL पे कोशिश किया, अपने प्रयास किया, भगवान का आशीर्वाद, आप सबके आशीर्वाद से 160 PIL चल रही हैं इस समय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में।
जिसमें हर चीज पे चर्चा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये देश चलता जिससे है उस पे चर्चा नहीं होती। चुनाव पे चर्चा होती है, सरकारों पे चर्चा होती है, पॉलिटिकल पार्टियों पे चर्चा होती है, नेताओं के बयान पे चर्चा होती है, लेकिन इस चीज पे चर्चा नहीं होती ये देश चलता किससे। ये देश किससे चलता है, किसका राज है देश में, किसका राज है देश में, जोर से बोलिए, कानून का। किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है, किसका राज है, कानून। जिसका राज है वही घटिया है। भाई गाड़ी अगर घटिया हो तो ड्राइवर बहुत अच्छा हो यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या, जोर से बोलिए जरा। सीमेंट बालू खराब हो, मिस्त्री बहुत अच्छा हो, घर सुरक्षित बन सकता है क्या। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, तेल मसाला खराब हो, नकली हो, खाना अच्छा बन सकता है क्या। दवाई घटिया हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और हम जो परेशान हैं वो मानव निर्मित समस्याओं से परेशान, हम भूकंप से परेशान नहीं है, बाढ़ तूफान सुनामी से परेशान नहीं है, हम दैवी समस्याओं से परेशान नहीं है, हम धूप बारिश से परेशान नहीं है, हम जिससे परेशान है वो सब मानव निर्मित समस्या है। हम घूसखोरी से परेशान है, जमाखोरी से परेशान है, मिलावटखोरी से परेशान है, कालाबाजारी से परेशान है, नशा तस्करी से परेशान है, मानव तस्करी से परेशान है, सोना तस्करी से परेशान है, माओवाद से परेशान है, नक्सलवाद से परेशान है, आतंकवाद से परेशान है, जिहाद से परेशान है, मजहबी उन्माद से परेशान है, पत्थरबाजी से परेशान है, घुसपैठ से परेशान है, धर्मांतरण से परेशान है। इसमें से कोई समस्या ऊपर वाले ने दिया है क्या, बोलिए जोर से। ये सारी समस्या इंसानी समस्या है कि दैवी समस्या है। जब इंसान की समस्या है इंसान को ही ठीक करना पड़ेगा। जब समस्या इंसान ने दिया तो समाधान किसको करना पड़ेगा। ये जितनी समस्याएं आपको मैं बता रहा हूं ये भगवान राम नहीं खत्म करने आएंगे, ये पीताम्बरा माता खत्म करने नहीं आएंगे, ये हनुमान जी खत्म करने नहीं आएंगे, ये राम के भक्तों को, कृष्ण के भक्तों को, पीताम्बरा मां के भक्तों को, हनुमान के भक्तों को, शंकर के भक्तों को, विष्णु के भक्तों को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो समस्याएं भारत में है ये विश्वव्यापी नहीं है। चीन में कोई घुसपैठ करता है क्या, इसका मतलब घुसपैठ लाइलाज नहीं है। सिंगापुर में कोई ड्रग स्मगलिंग करता है क्या, स्कूल कॉलेज में जाके गांजा चरस बेचता है क्या, नहीं, इसका मतलब नशा तस्करी भी लाइलाज नहीं है। लेकिन हमारे देश में केवल समस्या पे चर्चा होती है, मूल कारण और अस्थाई समाधान पे चर्चा ही नहीं होती। और इस देश में जनता के टैक्स के पैसे से, आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से सरकारों ने मक्कारी किया, हरामखोरी किया और सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए एक के बाद दूसरा कदम उठाए। दुर्भाग्य यह था हम जातियों में बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, पॉलिटिकल पार्टियां हमें बांटती रही और हम बढ़ते रहे। अच्छा कभी यह भी नहीं दिमाग लगाया ब्राह्मण मां के पेट में कितने महीने रहता है, जोर से बोलिए, 9 महीने। क्षत्रिय मां के पेट में कितने महीने रहता है, वैश्य मां के पेट में कितने महीने रहता है और दलित भाई मां के पेट में कितने महीने रहते हैं,
चारों में अंतर, ऊपर वाले ने कोई अंतर किया क्या? तो अगर ये भेदभाव किया तो किसने किया? नीचे वाले ने। तो इस भेदभाव को दूर कौन करेगा? नीचे वाले। हिंदू कितने महीने रहते हैं पेट में? 9 महीने। मुस्लिम कितने रहते हैं पेट में? 9 महीने। पारसी 9 महीने, ईसाई 9 महीने। अब अगर किसी किताब में लिखा हुआ है कि मैं पाक हो तुम नापाक हो, मैं ईमान वाला हूं तुम काफिर हो, तो वो किताब आसमानी है कि इंसानी है? जोर से बोलिए जरा। इतनी बात नहीं समझ पा रहे। अरे अगर कहीं कुछ भी भेदभाव हो रहा है तो ये तो सोचो जिसकी हम पूजा करते हैं क्या वो भेदभाव करते हैं क्या? क्या भगवान आशीर्वाद देने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित के बीच में कोई भेदभाव करते? क्या भगवान आशीर्वाद देने में महिला पुरुष के बीच में कोई भेदभाव करते? बेटा भी मां के पेट में 9 महीने रहता है, बेटी भी मां के पेट में 9 महीने रहती है। अगर किसी किताब में लिखा हुआ है कि बेटा बेटी एक समान नहीं है, बेटे को ज्यादा अधिकार मिलेगा बेटी को कम, माता को ज्यादा अधिकार मिलेगा पिता को कम, भाई को ज्यादा अधिकार मिलेगा बहन को कम, वो किताब आसमानी किताब है कि इंसानी किताब है? इंसानी किताब। पहले इस पर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन धन्यवाद दूंगा अंबानी जी को जिन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप सोच रहे होंगे अंबानी से क्या लेना देना, अंबानी से बहुत कुछ लेना देना। मैं दिल्ली में रहता हूं, आप गुना में रहते हैं, आप में से हमें देखते होंगे ना लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते होंगे। अगर ये डाटा 300 रुपए का 1 GB होता तो आप हमें देख पाते क्या? डाटा फ्री हुआ तब तो आप हमें देखते हो। तो डाटा फ्री करने की शुरुआत किसने किया? अंबानी ने। पहले अंबानी ने किया तो एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल की मजबूरी आ गई, फिर वोडाफोन वालों की मजबूरी आ गई, सबकी मजबूरी आ गई। ये जो इंटरनेट है ना, मैं कहता हूं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। हाँ, अगर ये इंटरनेट नहीं होता और खासतौर पर अंबानी ने डाटा फ्री नहीं किया होता तो इतनी जो चर्चा हो रही है, इतनी जो चर्निंग हो रही है, हर विषयों पर इतनी चर्चा हो रही है, फटाफट वीडियो यहां से लेके दिल्ली वाला वीडियो गुना पहुंच रहा है, गुना वाला वीडियो फिर से लखनऊ पहुंच रहा है, ये नहीं हो पाता। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, हाँ, सरकार को भी धन्यवाद कि उन्होंने डाटा फ्री करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तो मोदी जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने डेटा फ्री करने में बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन अगर ये डेटा फ्री नहीं हुआ होता तो याद रखिए हमारी जानकारी 50% होती। अभी जो चर्चा हो रही है, अभी गुना में आज, अगले 1 महीने के अंदर ये 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। YouTube के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, रील के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम अपना ज्ञानवर्धन करें और उस ज्ञान को आगे भी फैलाएं। ज्ञान को आगे फैलाने का क्या तरीका है? आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब लोग 5,000 फ्रेंड बना लीजिए। 5,000 फ्रेंड बनाने में कोई लागत आएगी क्या? नहीं, बना लीजिए। और जो बात आपको ठीक लगती हो उसको अपने फेसबुक पे लिख दीजिए। आप लिखेंगे गुना में, हम दिल्ली में बैठे बैठे पढ़ लेंगे। तो गुना की बात दिल्ली पहुंचेगी, गुना की बात बंगाल भी पहुंचेगी, गुना की बात लखनऊ भी पहुंचेगी। अगर हम सारे लोग राष्ट्रवादी ये तय कर लें, हम सब लोग 5,000 4,000 फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे जिसकी कोई लागत नहीं है, और यह काम मात्र 1 महीने में हो सकता है, मात्र 1 महीने में हो सकता है। डेटा भी फ्री, मोबाइल भी फ्री, बस केवल दोस्त बनाना है। जो घटिया लोग फ्रेंड बन जाए उनको ब्लॉक करते जाइए, अच्छे लोगों को जोड़ के रखिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती।